Hello all, welcome to the new session. So, uh, this session is about the fitting of exponential equation. So, the equation is like y is equal to a e raised to bx. You can see the equation. Already we have uh, discussed about the straight line equation, quadratic equation, and then power equation, both the type of power equation. Now, this is the last uh, uh, point in the curve fitting uh, that is the which is about the uh, first part of unit number four, which is about curve fitting. So the last point is fitting of exponential equation. So uh, this is the numerical. Uh, so we have to fit uh, the equation y is equal to a e raised to b x. So here this is numerical. First read the numerical using the following points. Fit the fit the exponential curve.

x is 0 1 2 3 and y is 2.0 2.2103 uh, like uh, that is uh, the values of y uh, which is given in the numerical so here again uh, you know uh, about the power fitting fitting of uh, power equation that is y is equal to ax raised to b and ab raised to x right so likewise again here uh,

इस केस में आपको लॉक टू द बेस ई यूज करना है मतलब एल एन यूज करना है राइट सो पावर इक्वेशन के टाइम हमने लॉक टू यूज़ किया था तो वो एक पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट uh, ध्यान रखिएगा सो हियर अगेन द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फर्स्ट राइट डाउन द सो गिवन इज गिवन इज इक्वेशन दैट इज वाई इज इक्वल टू ए bx this equation is given in the numerical now uh, the first step is to convert this equation into the straight line equation so write down convert convert equation into straight line straight line equation so this is the first step you know already how to convert this uh, equation into the स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बाय टेकिंग लॉक टू द लॉग ऑफ बोथ साइड राइट बट हियर इंस्टेड ऑफ लॉक टू द बेस्ट एंड यू हाउ टू टेक लॉक टू द बेस ई राइट सो हियर बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड यहाँ पे हम मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लॉक टू लॉक टू द बेस ई मतलब एल एन में लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल एन ऑफ वायकल टू एल एन ऑफ ए रेस्ट टू बी एक्स राइट इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन में मैं लिखूंगा यहाँ पे एल एन वाई राइट सो एल एन इंटू ए प्लस एल एन ई रेस टू बी एक्स मैं इसे फिर से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ऑलरेडी आपको ये सारे स्टेप्स पता है ऑलरेडी हमने ये लास्ट जो पावर इक्वेशन था उसमें हमने किए थे बस वहां पे हमने लॉक टू टेन यूज किया था राइट right? so, यहाँ पे मैं फिर से प्लस हियर बी एक्स इन टू एल एन ऑफ ई राइट बट हियर यू कैन यू नो दैट द एल एन ऑफ ई इज इक्वल टू वन होता है राइट right? तो अगर हम वन यहाँ पे पुट करेंगे तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको लिख सकेंगे y प्लस बी एक्स राइट सो नाउ बिकॉज दिस टर्म एल एन ऑफ ई इज इक्वल टू वन होता है तो अगर हम इसको वन पुट करते हैं तो यहाँ पे बस रहेगा बी इन एक्स राइट नाउ द इक्वेशन यू कैन कन्वर्ट इन टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसे स्ट्रेट लाइन में जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एल एन ऑफ वाई को हम कहेंगे कैपिटल वाई राइट यहाँ पे इस एलेन ऑफ ए को हम कहेंगे बी डैश राइट यहाँ पे जो बी होगा उसे हम कहेंगे ए डैश और जो ये स्मॉल एक्स होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्स राइट सो दट साउट दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए रिश एक्स इज कन्टे क्या होगा आपका मिलेगा x, right? so, इस तरीके से हमने इसे सारा कंसिडरेशन करके ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया राइट नाउ अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई राइट सो अगेन हम फिर से वही जो स्टेप नंबर टू है वो यहां पे हम मैं लिखूंगा प्रिपेयर अ टेबल हियर मेक अ टेबल मेक अ टेबल टेबल फॉर values of x and y right so this is the second step right now you know ki abhi aapko kis tarike se ye table banana hai x is equal to small x is equal to capital x jo ki humne already mention karke rakha hai yahan pe aapko sari y ki values likhni padegi capital y calculate करना पड़ेगा. so the capital y is equal to क्या है? हमारे पास consideration एल एन ऑफ स्मॉल वाई राइट मतलब ये जो जितने भी सारी वाई की वैल्यू हो गए उनको लॉक टू द बेस्ट ई अगर मैं करूँगा तो मुझे कैपिटल ई वाई की वैल्यू मिलेगी नाव हियर एक्स मल्टीप्लाय बाय वाई मुझे मिलेगा उसके बाद यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्र का वैल्यू राइट right? ये दो कॉलम आप छोड़ दीजिए इधर कोई जरूरत नहीं है लिखने की ओनली अप टू द एक्स स्क्र यू हाउ टू कैलकुलेट राइट सो यहाँ पे मैं इसको क्रैश कर देता हूँ राइट right? सो so, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स आपको दिए जैसे देखो जीरो दिया है वन है टू है और थ्री है राइट right? तो इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ टेबल को फिर से यहाँ पे अगर इसको बना दूंगा तो यहाँ तक बनेगा राइट right? राइट right? तो ये पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा बट यहाँ यही यही तक हमें एक्स स्क्वायर तक ही कैलकुलेट करना है राइट right? तो यहाँ पे थ्री जीरो और यहाँ पे आएगी सारी समेन की वैल्यूज राइट सो द वैल्यूज ऑफ वाई आर जीरो टू पॉइंट फोर फोर टू एट भी हमें दिया है उसके बाद टू पॉइंट सिक्स नाइन नाइन सेवन ये सारी एक्स और वाई की वैल्यू लिख ली हमने जो कि हमें इस टेबल में दिया है राइट जो कि गिवन है ठीक है और उसके बाद अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है ये जो uh, y की सारी वैल्यूज है उसको आपको लॉक टू द बेस e करना है मतलब एलेन ऑफ टू एलेन ऑफ टू पॉइंट टू वन जीरो तरीके से जितनी वैल्यूज आएंगी आपको वो उधर लिखनी है सो so, ये मैंने कैलकुलेट कर, कर करके रखा है आप फिर से कैलकुलेट करके एक बार क्रॉस चेक करिएगा

.6810, 6810. Now, X square one, मतलब ये जो एक्स की सारी वैल्यूज उसको करना है थ्री का स्क्वायर होगा नाइन राइट नाउ हमें कौन सी कौन सी चीजें लगेगी हमें समेशन ऑफ कैपिटल एक्स लगेगा तो थ्री प्लस वन प्लस सॉरी थ्री प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सिक्स समेशन ऑफ स्मॉल वाई की हमें जरूरत नहीं है कैपिटल वाई हमें लगेगा सो समेशन ऑफ कैपिटल वाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू फोर समेन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव सेवन एंडेशन ऑफ एक्स स्क्टीन राइट सो ऑलरेडी हमने ये सारी कैलकुलेट करके रखी है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी आप खुद से कैलकुलेट करिएगा और वैल्यूज क्रॉस चेक करिएगा

उनको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड सॉल्व बाय यूजिंग मेथड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए डैश एंड बी डैश राइट आपको ऑलरेडी प्रोसीजर पता है हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट तो इसके ऊपर हमने चार पांच न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो आपको ऑलरेडी अभी ये प्रोसीजर पता चल गया है सो मूव टूअर्ड द नेक्स्ट पॉइंट सॉरी नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड नंबर सो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ

दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन है राइट सेकेंड इक्वेशन इज ए समेशन ऑफ स्क्वायर प्लस बी डेक्वल एक्स वाई दिस इज इक्वेशन नंबर सेवीव ऑल दैल्यूज लाइक समेत समेतूज फ्रॉम द टेबल इन टू दिसन गेट टू मोर इक्वेशन So here, मैं पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे सिक्स ए डैश प्लस फोर बी डैश इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू फोर थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू फोर दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मुझे मिलेगा फोर्टीन ए डैश प्लस सिक्स बी डैश इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सिक्स फाइव फाइव सेवन 5.6557 दिस इज इक्वेशन नंबर फोर राइट सो ये इक्वेशन थ्री और फोर हमें इन दोनों इक्वेशन से मिला राइट सो आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन थ्री एंड फोर इक्वेशन इन टू द मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व बाई यूजिंग गॉस इलिमिनेशन मेथड राइट सो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इसे यहाँ पे मैं सिक्स लिखूंगा यहाँ पे मैं फोर लिखूंगा यहाँ पे आएगा फोर्टीन यहाँ पे आएगा सिक्स राइट right? अननोन्स क्या क्या है हमारे पास ए डैश और बी डैश हमें कैलकुलेट करना है और उसके बाद इक्वेशन के कांस्टेंट है हमारे पास 3.3724 एंड 5.6557 राइट नाउ दिस दिस इज द मैट्रिक दिस इज मैट्रिक फॉर्म दिस इक्वेशंस आर इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म एंड द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग गॉस इलिमिनेशन मेथड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए डैश एंड बी डैश राइट सो हमें ए डैश की वैल्यू मिलेगी आफ्टर कैलकुलेटिंग आप इक्वेशन डायरेक्ट न्यूमरी इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से सो ए डैश की वैल्यू हमें मिलेगी जीरो पॉइंट वन वन नाइन फोर वन वन नाइन फोर और बी डैश की वैल्यू हमें मिलेगी जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री एट जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री एट आप कैलकुलेट करिएगा आपको ये वैल्यू मिल जाएगी नाउ सी

E to the power अगर मैं b dash करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी right? so मैं यहाँ पे उस तरीके से उसे लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैन see here. अगर मुझे आ, जैसे मान लो मुझे अगर आ, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ जैसे b dash is equal to b is equal to a dash है तो a dash के directly जो वैल्यू हम b dash b consider कर सकते so here b is equal to 0.1194, right? और एड ए के लिए मैं क्या करूंगा ई टू द पावर बी डैश करूंगा सो ई टू द पावर बी डैश मतलब जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री एट तो मुझे मिलेगी वैल्यू ए की राइट right? तो वो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन फोर टू वन वन पॉइंट नाइन फोर टू वन राइट सो ये हमें b' की वैल्यू मिल गई और ये हमें a' की वैल्यू मिल गई अभी इक्वेशन सॉरी a और b की वैल्यू मिल गई फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ a' एंड b' राइट right? अभी ये a और b की वैल्यू हमें डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करना है और एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर राइट सो हियर व्हाट इज इक्वेशन गिवन इन द न्यूमेरिकल इक्वेशन आपको दिया है y is equal to a e raised to bx राइट right? तो अभी हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज है So, हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वो हमारा होगा फाइनल आंसर सो ए इज इक्वल टू वन हियर वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है वन पॉइंट नाइन फोर टू वन मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू राइट अभी बी की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट वन वन नाइन फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन राइट ये हो गया आपका आंसर राइट सो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना है स्क्वायर स्क्वायर टेक्निक और मेथड, जो कि हमने लास्ट पावर इक्वेशन के टाइम देखा था uh, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बट हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग यू टू रिमेंबर रिमेम्बर दट दिस इज अबाउट द एक्सपोनेंशियल फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सो इनस्टेड ऑफ लॉग टू द लॉक टू देश राइट सो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा इसी तरीके से सारे न्यूमरिकल्स आप सोल्व कर सकते हो एक्सपोरशियल इक्वेशन के लिए थैंक यू फॉर दिस से